राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुंवर अयूब अली एडवोकेट को प्रदेश उपाध्यक्ष व रालोद के वरिष्ठ नेता रणबीर दहिया को प्रदेश सचिव बनने पर पार्टी के लोगों ने कुंवर फार्म हाउस मसूरी पर जाकर दोनों नेताओं को बधाई दी। बधाई देने वालों में चौधरी तेजपाल सिंह, चेयरमैन अमरजीत सिंह बिड्डी, प्रदेश अध्यक्ष सहकारिता अरुण चौधरी भुललन, सुशील तेवतिया, प्रदीप मुखिया, भूपेंद्र बॉबी, बिट्टू खंजरपुर, सतबीर ठेकेदार, ऋषिपाल सिंह, वीर सिंह सलेमाबाद, हिमांशु नगर मास्टर मसरूफ अली जी, कुंवरबीर हसनपुर, लोकेश कटारिया, सुजीत सोनी, दीपू शर्मा, गौरव करोटिया आदि इस अवसर पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के मसूरी कुंवर फार्म हाउस में इस वक्त हम मौजूद है। आज हमारे साथ जुड़ गए पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता जो कि यहाँ पे सम्मानित किया गया है। लेकर चलते हम बिड्डी जी, अमरजीत सिंह जी, बिड्डी जी है जो राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता है, हमसे आज बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है बिड्डी जी। धन्यवाद। आज जैसे कि पार्टी के सारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, मौजूद है मसूरी कुंवर फार्म हाउस में, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना है कि चौधरी साहब ने, जयंत सिंह साहब ने पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी कुंवर अयूब अली जी को प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता पार्टी के रणबीर दहिया जी को प्रदेश सचिव बनवाया है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। पार्टी के सभी लोगों ने बधाई दी है और हम ये जानते भी हैं और चाहते हैं कि पार्टी में और ज़्यादा मजबूती से काम करेंगे। पुराने मजबूत आदमी हैं दोनों। और जैसे कि पार्टी ने इन्हें भरोसा करके आप बनाया गया, पद दिया गया है, तो क्या लग रहा है कहाँ तक ये अपने पार्टी के लिए काम कर सकते हैं? ये एडी चोटी का जोर लगाएंगे, पुराने पार्टी के वफादार आदमी हैं दोनों। पूरी जैसे कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव में जो इंडिया है, चुनाव इंडिया का और मतलब गठबंधन का और भाजपा का चुनाव है। गठबंधन तो भाजपा का भी है, 45-40 पार्टियों से उनका भी गठबंधन है, पर वो मानते नहीं है। सीधा सीधा चुनाव हमारे गठबंधन का और बीजेपी से होगा। चुनाव में लोकसभा का दिल्ली का रास्ता जो है, सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यूपी से होकर गुजरता है, सबसे ज्यादा सीट है यहाँ, तो उम्मीद ये है कि 100% अब के भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ हो जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जनता को? यही संदेश है कि पार्टी ने जब से 2014 में आई है भाजपा पार्टी, देश का जो है, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। कोई काम नया तो करा नहीं है। जितना 70 साल में विकास हुआ था, उतना इन 10 साल में पीछे कर दिया देश। तो सभी से मेरा तो यही कहना कि इस पार्टी का जल्दी से जल्दी यहाँ से इसका सूपड़ा साफ करा जाए सब मिलकर। जैसे लेकर चलते रणवीर सिंह के पास, जो कि आज आपको पार्टी से पद मिला है, तो क्या कहना चाहिए? मैं अपने नेता मान्य चौधरी जयंत सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे पे चौधरी साहब ने विश्वास कराया, कुंवर साहब पे और हम पे और बहुत लोग बनाए, और हम जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है चौधरी साहब ने, उस पर खरे उतरेंगे। क्या मुद्दे रहेगा 2024 का लोकसभा चुनाव का आपका? मुद्दा चौधरी साहब का रहेगा, जो चौधरी साहब हमें आदेश करेंगे हम वो पार्टी का कार्य करेंगे। और बागपत लोकसभा से माननीय चौधरी जयंत सिंह जी को भारी मतों से विजय दिलाएंगे। मौजूदा 5 साल में क्या विकास कार्य नहीं हुआ, जो कि इस बार जो आप लोकदल की अगर सरकार बनेगी तो क्या उम्मीद रहेगा जनता? मौजूदा 5 साल की नहीं, मौजूदा 10 साल की बात करो। इन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे, ये कहते थे कि 15 लाख हर आदमी के खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बहुत वादे करे, पेट्रोल हम 40 रुपये बेच देंगे। एक ये थे, एक वो बाबा थे हरिद्वार वाले, एक वो महाराष्ट्र वाले थे अन्ना जी, इन्होंने बड़े बड़े वादे करे, लोग बाग बहुत बकाए, ये केवल झूठ के अलावा कुछ काम करते ही नहीं है। जो 70 साल में इस देश में हमारे, ये मान के चलो जो 70 साल में विपक्ष ने, आज हम विपक्ष में हैं, कांग्रेस ने और जो विपक्षी हैं, इन्होंने जो 70 साल में इस देश को दिया, वो इन्हें आज 10 साल में इन्होंने सारा बेच दिया, और रेल बेच दी, भेल बेच दी, तेल बेच दिया, बम फैक्ट्री जो हमारी बिल्कुल मतलब लड़ने के लिए हर चीज के लिए इन्होंने बम फैक्ट्री तलक बेच दी, तो और ये कि देश में क्या छोड़ देंगे? किसान विरोधी है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारे जो माननीय जयंत अध्यक्ष जी हैं राष्ट्रीय पार्टी के लोकदल के, उन्होंने जो जिम्मेवारी माननीय अयूब जी को दी है और भाई रणवीर जी को दी है,
इसमें जो पार्टी के कार्यकर्ता उसमें जोश है और उत्साह है, पार्टी मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगी। और मेरा तो मानना ये है साहब, जो पार्टी सत्ता में है यानी कि भाजपा, वो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, और किसान और मजदूर मिलकर इनका सामना करेंगे और आने वाले चुनाव में इनका सफाया कर देंगे और किसानों की पार्टी बनेगी। इंडिया जो गठबंधन है उसकी सत्ता जब भी सरकार में आएगी इस चुनाव में, वो किसानों के हितेश और मजदूरों के हितेश में काम करेगी, यही मेरा कहना। कुंवर एवली साहब के पास लेकर चलते हैं, जो कि आज इन्हें पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पे सम्मानित करने आए हैं, क्या हमसे बात करेंगे? मैं अपने जनपद के सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ और जैन जी का धन्यवाद मैं कल भी कर चुका था, तो उन्होंने मुझे आकर के सब यहाँ पर सम्मान देने का काम किया। आज जो हालात हैं, देखिए बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो हमारा नौजवान था जिसे भाजपा के लोगों ने गुमराह कर दिया था, वो सब अब समझने लगा चुनाव मुद्दों पे होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ना चाहते थे, जनता इस बार सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जनता चाहती है कि आप महंगाई पर बात करो, आप बेरोजगारी पर बात करो, आप किसान की दुगनी आय पर बात करो, आप कानून व्यवस्था पर बात करो। इस चीज़ों पर जनता अब चाहती है कि लोग जवाब दें, और जवान फिल्म का डायलॉग देख करके लोगों में जवानी आ गई है। धन्यवाद।